मानसून के महीने में झाड़ जंगलों में कभी न कभी आपका सामना खून चूसने वाले लिच यानी के जोक से तो हुआ ही होगा, पर क्या कभी आपने खून चूसने वाले मछली के बारे में सुना है? शायद नहीं। दोस्तों, मिलिए लैम्प्रे से। इसे पिचास मछली या वैम्पायर फिश भी कहा जाता है। क्या सच में लैम्प्रे क्रूर, जालिम और खूंखार मछली है, और क्या इसे वैम्पायर फिश कहना सही होगा? जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, स्टडीज की माने तो लैम्प्रीज 360 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर के समय यानी कि क्रेटीशियस पीरियड के भी पहले से अस्तित्व में थे, और उनका आकार सैकड़ों लाखों वर्षों में विकास में लगभग अपरिवर्तित रहा है। सन 1830 में ओंटारियो झील में पहली बार सी लैम्प्रे देखे गए थे। तब इस बात पर चर्चा हुई थी कि क्या ये ओंटारियो झील का मूल निवासी है। फिर बाद में पता चला कि ये खूंखार प्रजाति एरी कैनाल के थ्रू एंटर करता है। ये मछली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के तटों सहित अटलांटिक महासागर के उत्तरी और पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। पहली नज़र में आप इसे ईल समझने की गलती कर सकते हैं, लेकिन इनका ये अलग थलग सा मुंह इसे ईल से अलग बनाता है। लैम्प्रे अंडे से लार्वा बनते ही धीमी गति वाले जल क्षेत्र में नीचे की ओर बहते हैं, फिर प्लैंकटन और अन्य मलबे पर फिल्टर फीड करते हैं। 3 से 7 वर्षों में लार्वा टीन एज में चले जाते हैं। एक अडल्ट लैम्प्रे बनने के बाद ये पैरासाइट यानी कि परजीवी मछली के रूप में खून चूसने वाला दरिंदा बन जाता है, जो अपने सक्शन कप जैसे मुंह के साथ दूसरे मछलियों को पकड़ लेता है, फिर शरीर के तरल पदार्थ और खून को चूसने के लिए शिकार में कटौती करने के लिए कठोर जीभ का उपयोग करता है। दोस्तों, अनुमान लगाया जाता है कि लैम्प्रे अपने परजीवी जीवन काल में औसतन 18 किलोग्राम मछलियों को नष्ट कर सकता है। इस पिचास मछली से गोताखोर इतना डरते हैं कि समुद्र में गोता लगाने से पहले उन्हें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कैसे लैम्प्रे से दूर रहा जाए। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि लैम्प्रे इंसानों के लिए कितना हार्मफुल है। दोस्तों, सी लैम्प्रे जिन मछलियों पर हमला करती है उनमें से 85% से अधिक हद से ज़्यादा खून बह जाने या इन्फेक्शन से मर जाती है, क्योंकि एक अडल्ट ह्यूमन के बॉडी में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसलिए आप सिर्फ तभी जिंदा बच सकते हो जब कुछ लैम्प्रीज आप पर चिपकी हो। अगर ऐसी 90 मछलियों 24 घंटे के लिए आप पर चिपक जाती है तो आपका इतना खून बह चुका होगा कि आपकी जान चली जाए। दोस्तों, क्योंकि ये खून चूसने वाली मछली है इसलिए इसे एक हद तक वैम्पायर फिश कहा जा सकता है, पर क्रूर, खूंखार और जालिम कहना डज नॉट फेयर, क्योंकि ये शेर, बाघ और क्रोकोडाइल जितना तो खतरनाक नहीं है जो एक बार में ही अपने शिकार का काम तमाम कर दे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जूलॉजी को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।